मैं तो जिम्मे सारा पंजाब कह रहा हूँ, मैं कह रहा जी मान साहब तो कमेडियन सी पंजाब नाल भी कमेडी करके मजाक करके होर तो कुछ नहीं यही कह सकते। नहीं जी मैं अगे एक होर चैनल में कह के हटे भी वह सिंगर नहीं कलाकार नहीं है वो कमेडियन वादे किए सी। उस तो बाद असी जिहड़ा हैगा वोटां च बदलाव की गल की श्री गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गल की जिहड़े मुद्दों पर गल की उस तो बाद कहिंदा भी मैं सारे मुद्दे बाद च पहले विआह करा लैंदा यार लेट बहुत आ कैप्टन साहब वाले नक्शे कदमों ने। तो जो सच्ची आर्टिस्ट होंगे आर्टिस्ट बड़ा सॉफ्ट माइंड होंगे बड़ा नरम दिल कोमल दिल हों जो सच्ची आर्टिस्ट होंगे तो कुछ ना कुछ सोचते घट्टो घट्ट यहोजी चालां तो ना करते क्योंकि जे पुलिस को पता हो साडे नाल आ होनी आ तो फिर वो यह जे एडे वे काम नहीं करते। NDPS का कोई छोटा जा केस नहीं पाकिस्तानों ड्रोन राही असला लिया के बंदा वेचता उन्हूं इस गल च फसाउणा इस गल च उहदे नाल वधीकी करनी धक्का करना और वह भी एक पब्लिक फिगर है बहुत वड्डी पब्लिक फिगर आ इन्हां नूं पता है भी लखे मगर दुनिया बहुत गीत आउंदा लैटर टू CM वो अज बैन कर दिता गया बस यही कर सकते जी। तुसीं इह देखो भी एक एडा वड्डा काम हो गया सिद्धू मूसे वाले की मौत हो गई बेचारे की गुरदीप भाई मारिया गया अंबल गुरदीप नंगल अंबिया उन्होंने ध्यान नहीं एक गीत आया जैनी जोल एक सिंगर का गीत आया उन्होंने बैन करता। पंजाब लोकमत TV ते तुहाडा स्वागत है मैं परमीत सिंह गल करते हैं पंजाबी गायक संधू सुरजीत दे नाल कि वो पंजाब दे हुण बने हालातों किवें देखते आ 6 महीने पहला पंजाब की सरकार बनती आ उसकी कारगुजारी किवें आ आओ करते हैं संधू सुरजीत होरां दे नाल गलबात। अज इत्थे कि पहुंचे लखेदाना जी अज जी असीं भाई दी सपोर्ट च आए हैं भाई नाल यारी है पुरानी यारी है और औखे सौखे वेले भरा भरावां नाल खड़दे आए हैं जी खड़ांगे और मैं नहीं आया लगभग पंजाब के हर कोने चो आए हरियाणे के काफ़ी कोनों चो लोग आए हैं गल है भी दुनिया किरदारा पिछे चलती होंगी है तो वो बंदे ने किरदार बनाया पहला जो बच्चा सी अनपोल सी उदों कितने गैंगस्टर वाला किरदार बन गया पर हुण वो जवान है मच्योर है उन्होंने लग्या मैनू मेरे पंजाब बारे सोचना चाहिए मेरे पंजाब को लुट्टिया जा रहा उजाड़िया जा रहा तो जो सच पिछे चल रहा तो जिहड़े इदां दे किरदार हुंदे उन्हां नूं भीड़ सद्दण दी लोड़ नहीं पैंदी आपे ही इकट्ठी हो जांदी आ। अज हाँ एक सिंगर होने के बावजूद भी मैं वो भीड़ का हिस्सा बन के भरा दे नाल आया काफ़ी टाइम पहले एक विवाद सामने आता है तो तुहाडे नाल लखा खड़ता सी। हाँ जी हाँ बिल्कुल गल फिर उही आ गई सच पिछे खड़न की क्योंकि मेरे को मेरा लाइसेंस ही वैपन से थोड़ी यूनीक राइफल से कहिंदे वी तेरे को कितों आई किवें आई इत्थों तू तू मैं कहा मैनूं लाइसेंस दिता उत्थे पुलिस ने खिचा तुई की उस तो बाद अगवा करके 3 घंटे ले फिरते रहे फिर कार्रवाई नहीं सी कर रहे उस किया जो भी भाई होनी खड़े अज भी खड़े एक दूजे के नाल बहुत चंगा लगता। भगवंत मान नूं कैसे देखते हो? मैं तो जिवें सारा पंजाब कह रहा हूँ मैं कह रहा जी मान साहब तो कमेडियन सीगे पंजाब नाल भी कमेडी कर गए मजाक कर गए होर तो कुछ नहीं यही कह सकते क्योंकि कोई ठोस फैसला नहीं कोई ठोस नीति नहीं कुछ भी नहीं देखा जा रहा यही कह सकते हैं। नहीं जी मैं अगे एक होर चैनल में कह के हटे भी वह सिंगर नहीं कलाकार नहीं है वह कमेडियन है कमेडियन हस सकता हसा सकता हाँ वो अज हस रहे पंजाब ते हस रहे हैं भी असी खटखट कला बसंती पग बन के लोगों ने वादे किए सी। उस तो बाद असी जिहड़ा हैगा वोटां च बदलाव की गल की श्री गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गल की जिहड़े मुद्दों पर गल की उस तो बाद कहिंदा भी मैं सारे मुद्दे बाद च पहले विआह करा लैंदा यार लेट बहुत आ तो वह विआह वू करा के आपदे मस्त ने कैप्टन साहब वाले नक्शे कदमों ने। तो जो सच्ची आर्टिस्ट होंगे आर्टिस्ट बड़ा सॉफ्ट माइंड होंगे बड़ा नरम दिल कोमल दिल हों जो सच्ची आर्टिस्ट होंगे तो कुछ ना कुछ सोचते घट्टो घट्ट यहोजी चालां तो ना करते क्योंकि जे पुलिस को पता हो साडे नाल आ होनी आ तो फिर वो यह जे एडे एडे वे काम नहीं करते। NDPS का कोई छोटा जा केस नहीं पाकिस्तानों ड्रोन राही असला लिया के बंदा वेचता उन्हूं इस गल च फसाउणा इस गल च उहदे नाल वधीकी करनी धक्का करना और वह भी एक पब्लिक फिगर है बहुत वड्डी पब्लिक फिगर आ इन्हां नूं पता है भी लखे मगर दुनिया बहुत फिर भी किया तो वो होर इस तो वध अफसोस की गल की होगी शर्मा शुरमा बहुत दूर हूँ तो अफसोस की गल है भी उस बंदे नूं जिहड़ा बंदा धीआं भैणां लई खड़दा जिहड़ा बंदा पंजाब दे मौसम विभाग लई खड़दा भी यार इत्थे रुख लाओ असीं अज आउंदे आं देखिया सड़कां भरियां पईआं ने लखे ने रुख ला ला के ईवन के पंचायती जमीनां च 5-5, 10-10 किले जमीनां ठेके लैके लीज़ ते लैके रुख लाए आ लोकां नूं रुख वंडदा यार पंजाब दे पाणी दा मसला पंजाब दी आबो हवा दा मसला पंजाब दी बार जवानी दा मसला नौकरियां दा मसला केड़ा मसला यार जिथे उहने लत्त नहीं डाई। हाँ मैं उहदियां वोटां च भी गया सी कंपेन ते गया सी
उद एक बेबे ने कहा लखे तू हम एक दा नहीं तू लखां दा हो गया तो जो लखां दा बंदा उहदे नाल ऐ कर रहा मेरे अगे जां किसी होर नॉर्मल बंदे ने की करना गया जेमी जॉल दा गीत आउंदा लैटर टू सीएम वो अज बैन कर दिता गया बस यही कर सकते जी तुसीं इह देखो भी एक एडा वड्डा काम हो गया सिद्धू मूसे वाले की मौत हो गई बेचारे की गुरदीप भाई मारिया गया अंबल गुरदीप नंगल अंबिया उन्हां ते ध्यान नहीं एक गीत आया जेनी जॉल एक सिंगर का गीत आया बैन करता मतलब 12-14 घंटे च गीत बैन किए जा सकते हैं गैंगस्टर जाओ नहीं फड़े जा सकते अगे एक बई ने स्टेज तो गल की कहिंदा इक्को ही पिंड च एक बन्ने पुलिस मुलाजम का सेवा मच रहा एक बन्ने खाड़कू का वह साढ़े ही पुत ने साढ़े विचों ही ने जे ग मारन वाले भी साडे ने मरन वाले भी साडे ने यह तो सिर्फ एक दफ्तर चो बह के आदेश दे रहे नहीं पता है कि दिल्लियों आदेश हो रहे हैं यह नहीं पता कि दफ्तर चो हो रहे हैं तीन दफ्तर ने वैसे मैं दो कहा पर हूँ तीन लगता है RSS है आप है या भाजपा तो पर है पुत साडे मरने चर्चा है कि पंजाब के पैसे के नाल गुजरात की चोन लड़ी जा रही है पंजाब के जो विधायक ने सारे गुजरात फिरते हैं हाँ बस यही रवायती पार्टियां कर दी जी अकाली कांग्रेस ही करते मैं उस काम किया जी मैं 13 से 17 तक सरपंच रहा आही कुछ कर दी रवायती पार्टियां यही इन्होंने करना देखो जी तुम यही मान साहब ने कहा कि तुहानू लोड़ नहीं गनमैन लैन की तुहानू लोड़ नहीं वड्डियां कारां लैन की तुम काम इहो करो पब्लिक तुहानू प्यार करे तुम जे पब्लिक जे तुम पंजाब कुछ किया हों गुजरात तुम विखा सकते हाँ मैं मिर्जा गाया मैं विखा सकता मैं लिखिया तो गाया मैं जट पुठियां कमां दा शौकी लिखा गया मैं विखा सकता मैं किया यार मैं स्टेजा लाइया मैं विखा सकता तुम पंजाब कुछ किया ही नहीं तुम गुजरात विखाओगे कि ता ही थोड़ा इतों MLA चक चक के उत्थे लिजाने पै रहे लखा रुपया तुम खर्चा कर रहे हो इतों जिमें बेवकूफ बनाया अं उ बनाओगे आह कुछ ही हो रहा और यही राजनीति आई होना साढ़े लोगों का हूँ तीजा बदल लगता सी पर हम लोगों को यह नहीं समझ लगती भी चौथा की लभंगे लोगों ने बड़ी उम्मीद ना वोटा पाइया 92 सीटा आईया इतिहास राज दिता गया पर लोग नाराज आ 6 महीनों के ही गल जी एक होंगे ना एक तो सिस्टम चल रहा है हौली हौली चल रहा है घट चल रहा है वध चल रहा है कैप्टन साहब से चाहे वह तो चल रहा है सिस्टम फॉरेस्टों चला रहे स्लो चल रहे चला तो रहे ना इतने तो रोक ही गया यार सारा कुछ कोई पुछ प्रतीत नहीं कोई कुछ नहीं बंद किए जा रहे सांझ केंद्र बंद कर दौ जी पेंशन बंद कर दौ आटा दाल स्कीम कटा दौ जी बिजली के रेट वधा दौ जी टैक्स वधा दौ जी दारू सस्ती कर दौ जी यार सानू दारू की नहीं सानू आटे रोटी की लोड़ आ सानू यही मान साहब के जबानों से भी रुजगार रुजगार दो सबसिडिया ना दो अज कि जी मुख्यमंत्री माननीय स्पीचा पहला सी सरकार बन तो पहला वही स्पीचा हूँ ने ए लगता कि हजे भी विरोधी की भूमिका निभा रहे हैं हाँ है विरोधी तुर कोई होर है तुम आ वाकई यंग उम्र के मुंडे गल फड़ते हो वाकई वो विरोधी धरची ने क्योंकि उन्होंने तो आदेश आता भी तुम ए नहीं ए कर दो और कई एडे हासोहीने फैसले आते हैं वेख के लगता यदि तुक बनती है कोई ये कोई कहना बनता तो यही हो रहा मत्ती वाला जंगल वाली सरकार की बड़ी आलोचना होंगी है बाद फैसला वापस लिया जाता है दबाव देख के वाला इकट्ठ हों तो लखे हजारों के भी यही तो होंगे कि एक दिन परचा वापस लिया जाता है एक दिन पहला तुम ए दसो भी उही अफसर हरजीत सिंह उन्हें परचा कटिया उही बंदा बाद तफ्तीश करता नहीं ये जिहड़ा हो गया ये मतलब नहीं है दोषी नहीं है इनू क्लीन चिट दे दी जाती है 12-14 घंटिया क्लीन चिट दे के बंदे कढ दिता जाता की गल पहला पुलिस को तसली नहीं सी हुई और मैं उस अफसर ना विचरिया होया क्योंकि मैंने गवाह करी रखा उन्हें 3 घंटे तुम ये देखो भी ये सरकार की मर्जी तो बगैर किन्ने केस हो गए उस ही थाने के जेडे अजे भी लटक रहे होंगे ये इन्नी छेती किमें क्लीन चिट होगी सिर्फ एक की भी जी पब्लिक आ रही है जोड़ा कट्ठ जे अज इतने 15,000 का कट्ठ है तो घट्टो घट 30,000 का होना सी सिर्फ एक पब्लिक को डाइवर्ट करने वास्ते बड़िया बंद ने मैंने सवेर के फोन आए कल शाम के फोन आए भी बई जी कल तो नहीं जाना गा क्योंकि वह तो जो परचा था कैंसल हो गया तो कुछ नहीं हुण तफ्तीश करके एक बार माफ़ करता है थोड़े दिन बाद तफ्तीश करके जे आ रौला ना पैंदा तफ्तीश करके फिर बच कर लेना सीगा सो गल भी एक लास्ट हथियार है क्योंकि मैं विचरिया इन्होंने लोगों ना पहले दूजे परचे डर लगता था लास्ट हथियार है कुछ नहीं हुंदा शेरां नूं कदी पिंजरे नहीं डक सकते शेर शेर ही रहना जो मर्जी कर लेना ਵੱਡਾ केस दर्ज ਹੁੰਦਾ पर एक महीना बीत जाने तो बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं ਹੁੰਦੀ ना कोई जांच पड़ताल ਹੁੰਦੀ ਆ एक दिन बाद गल सामने ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੱਖਾ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इस तरह नहीं ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ केस NDPS ਦਾ ਐਕਟ ਦਾ केस दर्ज ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ एक महीना गिरफ्तारी ना करे हाँ पुलिस ने रेड नहीं की गिरफ्तारी नहीं की कोई उन्होंने जोड़ा है जोड़ा बंदा और मदई कौन है परचा दर्ज कराने वाला कौन है एक मुखबर तो ऑलरेडी होंगे पुलिस का दूजा मूँह होंगे किसी बंदे नूं पसाउणा मुखबर तो घुआ दिओ किसी बंदे का कोई नुकसान करवाउणा मुखबर आके कह दे मुखबर का काम इतलाह देना पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना उहदी जांच पड़ताल करना किन्नी क जांच पड़ताल की होगी
भी जिहड़ा पुलिस ने एडे संगीन आरोप है किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। देखो जी पाकिस्तान चिट्टा लियाउण दा NDPS जिहड़ा केस है उहदे च ड्रोन राही हथियार लियाउण दा धमकियां देण दा 2554 हथियार नाल जानों मारन किहनूं जिन्हों जानों मारन की कोशिश की सामने आया कोई थोड़े अजे तक तुसी मीडिया परसन हो तुसी दसो कोई बंदा सामने आया मैनू लखे ने मारन की कोशिश की तो यार सारिया जो है बेफालतू गल आवाज़ बुलंद हो रही दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ हाँ यही होया जी देखो काम कोई हो नहीं सकया क्योंकि इन्नी वड्डी मेजोरिटी ने जितते आ पर फिर भी काम कोई नहीं आ हाले मंत्रीमंडल चंगी तरह नहीं चुनिया गया लोगों च वो विरोध वो रोस उन्हों बदलन की बजाय लखे अर्गे एक जो पब्लिक फिगर उत्ते परचा दो परचा दे के जो रौला पैंदा परचा कैंसल करो 15 दिन गुस्सा ना करो सॉरी 15 दिन तुम भी अपने चैनलों से यही चलाओगे असं भी उही देखांगे देखी वीडियो आ गई हाँ लखे बारे फलाना की बोलिया आ की बोलिया आ सीधा बोलिया आ पुट्ठा बोलिया उत्थे अमृतपाल सिंह आए थे उत्थे सिमरनजीत सिंह मान आए थे उत्थे हमतोज मान जी आए थे आई भी एक महीना इन्हों समा मिल गया पब्लिक का ध्यान डायवर्ट कर 15 दिन पहला भी इस तरीक न इकट्ठा 15 दिन बाद उस दिन की होया कितने इन्हों देखो आप बड़े बड़े फ्लैक्स लाने की लड़ नहीं इन्हों काम करने की लड़ है ये इन्होंने काम किए होंगे काम किए सरदार मनमोहन सिंह ने हालांकि मैं अकाली दल रिलेटना शुरू तो मेरे पिता पुरखियों तो पर काम किए मनमोहन सिंह ने अज 7-8 साल बाद भी बोल रहे हैं वो बंदा गिणती का बोलिया होगा वो तो वो 55-56 वारी बोलिया होगा 10 साल पर उन्हें काम किए सरदार ने अजो बोलते हैं और मनमोहन सिंह का एक भी फ्लैक्स बोर्ड विखा दौ हाँ उन्हें पंजाब आना पंजाब कांग्रेस ने लवाता अलग गल PM कोटे चो आया कोई फंड का दसो जिन्हें काम किया उन्होंने बोलने की लड़ नहीं बह के आराम करता मानतिक इश्तिहार की बड़ी चर्चा हुई कहीं साडा काम बोलता हिंदी लिखा कि साडा काम बोलता हाँ बस कहाँ ही है जी हूँ कहाँ ही कह सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं हो रहा काम घट हो जाए सही हो जाए वधिया गल हुंदी है जो तो काम होवे ही ना थोड़ा दुख लगता जो तो काम तो होवे ना पर नुकसान होवे इदां दे बंदियां नूं जिहड़ा जेलां का डर है परचियां का डर है तो वह तो बहुत माड़ी गल करके नहीं है पंजाब का अज तक कोई भी नहीं है पंजाब का तो ए लगता एक कवीशरी सी कल्ला मरिया नहीं शेर कल्ला मरिया नहीं राजा पंजाबियों का मर गई सी भैने तकदीर पंजाबियों की कुछ इदा करके सी महाराजा रणजीत सिंह मैंने लगता पंजाब का हतैशी ज़्यादा व्डा तो वही जिदे को राज भी सी ताकत भी सी और पंजाब नू पंजाब समझे हुण तो ए लगता भी यार जिहड़ा आउंदा बस वो चुटकला सुनाउंदा जितदा 5 साल राज करदा ते गांव तुर जांदा। धन्यवाद थैंक यू जी। इस दिन साडे नाल संधु सुरजीत ने दस्सिया कि पंजाब दे की हालात ने नवी सरकार नू लोकां ने उम्मीदां दे नाल वोटां पाईआं सी ते ओह लोकां दी उम्मीदां दे उपर खड़ी नहीं हो रही अजंगे होर ए वीडियो देखण दे लई बने रहो पंजाब लोकमत TV दे नाल। धन्यवाद।